लोगों में फूलों के प्रति रुचि बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में पुष्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लावर शो का आयोजन किया गया। इस अनूठी प्रदर्शनी में शिमला शहर तथा आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले खूबसूरत और महकदार फूलों की कई प्रजातियों को शामिल किया गया। देखिए क्या कहना है इस मामले में पुष्प प्रदर्शनी के आयोजक श्रीनिवास जोशी का। तो शिमला के बहुत सारे आए हैं, लगभग 68 यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनके 170 के करीब एग्जिबिट्स हैं। और अगर कुल मिलाकर देखे जाएं, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ है, हेरिटेज आर्मी वालों का है, इनको मिलाकर के देखे जाएं तो 300 एग्जिबिट्स और हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 450 के करीब एग्जिबिट्स हैं। तो जहाँ जहाँ भी फूलों की खेती लोगों ने करी है, वो फूलों की खेती का एकदम फ़ायदा होने लग गया है लोगों को, क्योंकि फूलों की बिक्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो प्रोडक्शन है वो कम है, उत्पाद इसका कम हो रहा है। और यहाँ पर ठियोग के आसपास कुछ लोगों ने खेती करी है, सोलन में महोबाग में बहुत अच्छी खेती करी है। तो वहीं सनोटी पुष्प प्रदर्शनी में पहुंचे लोग भी, सैलानी भी फूलों को देखकर बहुत खुश हैं। सुनिए क्या कहना है पर्यटकों का। आई हूँ यहाँ शिमला घूमने, हाँ मैं शिमला घूमने आई हूँ, और एग्जीबिशन जो लगी है बहुत अच्छी लगी है। अलग अलग टाइप के बहुत सारे फ्लावर्स हैं, मतलब जो हम लोगों ने कभी नहीं देखे यहाँ पर, मतलब मौजूद है फ्लावर और बहुत सुंदर है, और जिन लोगों ने लगाई है उनका मतलब कार्य सराहनीय है। थैंक यू। आए थे एंड फ्लावर्स हमें अच्छे लग रहे हैं, प्लांट्स बहुत यूनिक हैं, अलग हैं, जो हमें वैसे नहीं मिलते यूजुअली मार्केट में, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये फॉर सेल भी हैं। That's it. Thank you. MP से आए हैं, छिंदवाड़ा से। तो ये जो एग्जीबिशन लगा है बहुत अच्छा है, और कई प्रकार के फ्लावर्स और पौधे देखने को मिले हैं जो कि पूरे देश में नहीं है, लेकिन इसके स्टेट को ये सोचना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान में ये फ्लावर्स के बीजेस पहुंचाएं और इसका पैदावार होए। तो देखा आपने कि लोग इस पुष्प प्रदर्शनी को देखने के बाद कितना खुश है और चाह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ शिमला में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शनी लगे। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।